नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। डॉक्टर बाबूराम भट्टराय के गलती सरियाबैत पार्टी में घूरल नेकपा माओवादी केंद्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालक आग्रह। आई से 20 वर्ष नांगने सार्वजनिक यातायात चलाब में रोक, अटेरी कड़क जब्त कैल जात। प्रतिपक्ष के सम्मान करवाक प्रधानमंत्री ओली के बोली, देश विकास में सहयोगक अपेक्षा। नया सरकार लोकतंत्र खतरा में लाभक खोजने, कांग्रेस सभापति देउआक गंभीर आरोप। आ बेलायत द्वारा 23 गोटे रूसी कूटनीतिज्ञ देश निकाला, सब उच्च स्तरीय संपर्क तोड़ल गेल। अब समाचार विस्तार से। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल डॉक्टर बाबूराम भट्टराय के गलती सरियाबैत पार्टी में घूर के आग्रह कलने। आई पार्टी कार्यालय पेरिस्टारा में आयोजित कार्यक्रम में नया शक्ति पार्टी के 19 गोटे कार्यकर्ता के पार्टी प्रवेश कराबत अध्यक्ष दाहाल भट्टराय के गलती सरिया के पार्टी में घूर के आग्रह कलने। भट्टराय के बेर बेर अपन पार्टी में जोड़ा के लेल आब पड़त कहकर आयल स्मरण करते दाहाल अपन आग्रह के नई मान का भट्टराय बहुत बड़का गलती केने के दावी केने छथि। फिर से गलती सरियाबैत पार्टी में नई घूर त स्वर्ग में से हो भट्टराय के बास नहीं हैत के टिप्पणी दाहाल केने छथि। ओ कहलन हमर त कहब बाबूराम जी सब से हो यह जोर आब पड़त कहकर हमर कहब नहीं त हुनकर सबके कोनो भविष्य नहीं है। हम त ओतबे कहब हुनकर कहब बाबूराम जी के गलती सरियाप के अवसर प्रदान केने छी, ब्लंडर केने छी, बहुत बड़का भूल केने छी, एकर पश्चाताप क के घूर पड़त हुनकर कहब छन। नहीं तो मात्रे हुनका ऊपर जा वाला समय में आनंद संग जा सके छथि, नहीं तो गरम के गर में रहता ओ दुख व्यक्त केने छथि। हामी जनतालाई एकताबद्ध गर्ने, जनतामा रहेका भ्रमहरू, अन्धविश्वासहरू, कुरीतिहरूलाई चिर्ने र उनीहरूलाई सचेत, जागरूक र एकताबद्ध गर्ने र एउटा निश्चित गन्तव्यतिर एउटा उद्देश्यको निम्ति अगाडि लिएर जाने हाम्रो धर्म हो। फुटाउने र शासन गर्ने उनीहरूको धर्म हो। जुटाउने र विकास गर्ने, समृद्धितिर लाने हाम्रो धर्म हो। हामी आफ्नो धर्म पालन गर्ने कुरामा स्पष्ट हौ भनेर म भन्न चाहन्छु। संयुक्त वाम गठबन्धनको तर्फबाट अध्यक्ष दाहाल विगत में माओवादी कम्युनिस्ट आंदोलन आ क्रांतिकारी के लेल काम कर रहल एकटा केंद्र में आब के विकल्प नहीं भेल के उल्लेख करैत फूट का अलग गेल विप्लव समूह के सेहो पार्टी में घूर के आह्वान कलन। जनता आर्थिक विकास और समृद्धि के इच्छा संबोधन कर के लेल मजबूत केंद्र आवश्यक रहला से वाम गठबंधन के पक्ष में अपने ठाड़ भेल के उल्लेख करैत ओ पार्टी एकता के बाद देश में विकास और समृद्धि के अभियान चल में आसान हैत बतौने। गोरखा में नया शक्ति नेपाल नया शक्ति पार्टी के तरफ से विभिन्न भूमिका में रहकर काम करत आब रहल कार्यकर्ता पार्टी प्रवेश केने पुनर्मिलन के संज्ञा दैत अध्यक्ष दाहाल आई के बाद गोरखा में फेर से कम्युनिस्ट किला के रूप में कायम हैत के विश्वास व्यक्त केने छथि। लक्ष्मण गुरुंग, मीन बहादुर सुनार, इंद्र प्रसाद गुरुंग लगायत 19 गोटे कार्यकर्ता के आई पुनः माओवादी केंद्र में घूरल छथि। सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक राज जोशी कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश के जिम्मेवारी संभारने छथि। न्याय परिषद सचिवालय प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली के अपने अवकाश पेने पत्र थमेलाक बाद जोशी कायम मुकायम जिम्मेवारी संभारने छथि। पराजुली अपने प्रधान न्यायाधीश भेल के दावी केने छलथि, मुदा सर्वोच्च प्रशासन हुनकर नाम प्रधान न्यायाधीश के सूची से हटौने अछि आ जोशी कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भेल के जानकारी देलक अछि। साथे जोशी के इजलास सेहो तो कयल अछि। सरकार आई से देश भर में 20 वर्ष नांगने सार्वजनिक सवारी साधन चलाब नहीं सक के नियम लगौलक अछि। 20 वर्ष नांगने सार्वजनिक यातायात चैत 1 गते के बाद सेहो चलन में जब्त कैल जात लीलाम करे के तैयारी केने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय जानकारी देलक अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता राजेन्द्र राज शर्मा 20 वर्ष पुरान सवारी चैत 1 गते से बृहस्पति दिन से चल त पकड़ कर राखब के जानकारी दिलन। 20 वर्ष पुरान सवारी चलाब में पकड़ कर कानूनी कार्यवाही कर के पुलिस प्रशासन के निर्देशन दल गल ओ पतौने छथि। फागुन मासांत धरि 20 वर्ष पुरान सार्वजनिक सवारी इंजन नंबर आ चेसिस नंबर विभाग में बुझाब के सवारी साधन के अनुरोध कैल गल में बहुत सवारी मात्र बुझाएल गल। यातायात व्यवस्था विभाग के महानिर्देशक रूप नारायण भट्टराय पतौने छथि। दुनू नंबर बुझौने कार्यवाही
कवारी में सवारी पाठ पुर्जा बेचल जा सकत है। देश भर गुड़ रहा 20 वर्ष पुरान सवारी साधन के कारण वायु प्रदूषण आ सवारी दुर्घटना से हो बढ़ा लगलाक बाद चैत से हटाबे के निर्णय कैल गेल अछि। विभाग सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली 2054 संशोधन क के चैत से देश भर से 20 वर्ष पुरान सवारी साधन हटाबे लागल अछि। विभाग गत वर्ष फागुने से उपत्यका से 20 वर्ष पुरान सवारी साधन हटौने छल। यातायात व्यवसायी छात्र संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ जनता सेवा रोक नहीं सकत बताबित 20 वर्ष पुरान सवारी साधन नहीं रोकात के जानकारी दिलक। मंत्रिपरिषद 2071 भादो 26 गते 2 वर्ष भीतर 20 वर्ष पुरान सवारी साधन चलन नहीं देबक निर्णय केने छल। यातायात व्यवसाय निर्णय के विरोध केलाक बाद राजपत्र में सूचना प्रकाशन करय में देरी भेल अछि। विभाग 20 वर्ष पुरान टैक्सी आ विद्युतीय सवारी साधन चलन नहीं देब के जानकारी देलक अछि। विद्युतीय टेम्पो हाल उपत्यका में 600 आ उपत्यका से बाहर 200 रहल अछि। बैटरी पर चलय वाला सवारी साधन 30 वर्ष धर चलाब सक के निर्णय मंत्री परिषद से क गत आसीने में नेपाल राजपत्र में सूचना प्रकाशित भ चुकल। महानिर्देशक भट्टराय बतौने छथि हाल देश भर में 5500 20 वर्ष पुरान सवारी साधन चल रहल के तथ्यांक विभाग संग रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आवश्यकता औचित्य के आधार में संविधान संशोधन कैल जा सकत बतौने छथि। बुध दिन भोर संघीय संसद आ प्रदेश सभा के संसद अपने सरकारी निवास बालुआटार में जलपान कार्यक्रम के आयोजना करते ओली समय के मांग अनुसार संशोधन हेत बतौने छथि। देश के नुकसान होबय वाला अखंडता में असर पड़े जका संशोधन नहीं हेत सेहो ओ दोहरौने छथि। देश के थप मजबूत आ एकताबद्ध करय के लेल संशोधन हेत। सरकार मजबूत हेत त देश में तानाशाही आत असंदर्भिक चर्चा भ रहल के असंतुष्टि सेहो ओ व्यक्त केने छथि। प्रधानमंत्री ओली सरकार सत्य तर्क तथ्य आ व्यवहार में श्रेष्ठता हासिल करत आगू बढ़त के आयोजना से हो आगू बढ़ने छथि। ओ परिवर्तन के आत्मसात करत देश आ जनता के हित में काम कर के से हो सांसद सब के आह्वान केने छथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिपक्ष के सम्मान क के आगू बढ़ के प्रतिबद्धता व्यक्त केलन अछि। एमाले अध्यक्ष से हो रहल प्रधानमंत्री ओली सरकार मजबूत हेत त नई अगथ्या से हो प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के आग्रह केलन। प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति सभामुख लगाए तक सब निर्वाचन के सफलतापूर्वक संपन्न कराबे के पहल के ने कह के सांसद सब के प्रशंसा से हो केलन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सरकार दू तिहाई बहुमत के धाक देखा रहल के आरोप लगौने छथि। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा वरिष्ठ नेता रामचंद्र पटेल सरकार के कारण लोकतंत्र खतरा में पड़ लागल के गंभीर आरोप से हो लगौलने अछि। बुध दिन पार्टी के संघीय संसद आ प्रदेश सभा के सांसद सब के पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा में प्रशिक्षण देत सभापति देउवा लोकतांत्रिक सुदृढ़ बनाब जका संसद में प्रस्तुत होब सांसद सब के निर्देशन देलने अछि। ओ 5 वर्ष के बाद सरकार के नेतृत्व लेबा जका तैयारी कर पूरे पार्टी पंक्ति के एकताबद्ध होब आह्वान केलन। निर्वाचन में पराजय होब संगे पार्टी ऊपर बड़का चुनौती थपायल के उल्लेख करत सभापति देउवा इस चुनौती के सम्मान करत जका संसद में प्रस्तुत होब के सेहो सचेत करेलन। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचंद्र पटेल सरकार दू तिहाई बहुमत के धाक देखा रहल के आरोप लगौलन। ओ सरकार संवैधानिक व्यवस्था सब इकलौती कब्जा कर खोजने गंभीर आरोप लगाबत सचेत भ के आगू बढ़ पार्टी सांसद सबके निर्देशन देलन। कांग्रेस नेता पटेल लोकतांत्रिक बचाव के लेल संसद में प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर सेहो पार्टी सांसद सबके सचेत करौलने अछि। काठमांडू के गोशाला में गोली चलौने आरोप में गुंडा नाय के गणेश लामा पकड़ायल अछि। काबड़े के रोसी गांव पालिका में लामा के बुध दिन रात पुलिस होटल पशुपति भिजन नजदीक से पकड़लक अछि। गोली केकरा आ किया चलौने कह के इ विषय में खुलासा नहीं भेल अछि। लामा के हिरासत में राखि के अनुसंधान भ रहल काठमांडू पुलिस परिसर जानकारी देलक अछि। हुनकर संग से पिस्तौल सेहो पुलिस बरामद केलक अछि। लामा के कांग्रेस काबरे क्षेत्र नंबर 1 ख से प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार बनायल गेल छल। आई अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाओल जा रहल अछि। सन 1962 में मार्च 15 के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति प्रस्तुत केने सुरक्षा सूचना छनौट आ सुनवाई के उपभोक्ता के 4 अधिकार के रूप में घोषणा केलाक बाद विश्व में ई दिवस मनाव शुरू कैल गेल अछि। नेपाल में उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 जारी भेलाक बाद दिवस मनाव लागल अछि। ई ऐन के दफा 6 में वस्तु आ सेवा खरीद तथा उपभोक्ता करय वाला हरेक उपभोक्ता के विभिन्न अधिकार प्रत्याभूति कैल गेल अछि, मुदा बाजार अनुगमन प्रभावकारी नहीं होब सकल अछि। उपभोक्ता अधिकार के नाम में 2 दर्जन से बेसी संस्था खुललाक बाद हुनकर सबके भूमिका प्रभावकारी देखल नहीं जा सकल।
समय सापेक्ष एन कानून जनशक्ति आ स्रोत साधन के अभाव में बाजार अनुगमन प्रभावकारी नहीं होब सकल सरकारी निकाय के दावी रहल है। सरकारी तरीका से कर वाला बाजार अनुगमन नियमित नहीं होब सकला से बेचिन राख वाला वस्तु कम गुणस्तर युक्त कम तौल आ महगा मूल्य के भ रहल है। समग्र बाजार उद्योगी तथा व्यापारी के नियंत्रण में है। बाजार के मांग अनुसार मूल्य निर्धारण होब पड़त। व्यवसायी सब के बारी बारी से प्रथा आ मनमानी के भर में मूल्य आ गुणस्तर निर्धारण हो भ रहल के उपभोक्ता उपराग रहल है। भंसार में होब वाला न्यून बीजीकरण के नाम में व्यवसायी उमक रहल आ उपभोक्ता के ठक रहल है। बाजार अनुगमन भ रहलाक बादो उपभोक्ता के मांग अनुसार काम नहीं होब सकल उपभोक्ता अधिकार कर्मी सबक कहब छन। उपभोक्ता संरक्षण एन 2054 में उत्पादन घटाव के मांग आ आपूर्ति एवं मूल्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा के अपराध केने 3 वर्ष कैद व 50,000 रुपया जुर्माना व दुनू सजाए होब के व्यवस्था रहल है। अहिना खाद्य एन 2023 में न्यून गुणस्तरी भेल त 1,000 से लगकर 2,000 रुपया धर जुर्माना करे के व्यवस्था कैल गेल अछि। देश संघीयता में जा चुकल अछि। देश के प्रशासनिक हिसाब से स्थानीय प्रदेश आ केंद्र क तीन तह में बांटल गेल अछि। सब अधिकार केंद्र लेबा के आरोपक बीच स्थानीय तह आ प्रादेशिक निर्माण भेल छैक। मुदा स्थानीय तह आ प्रदेश निर्माण भेला महीनों बीत चुकला पर ई निकाय सब ठोस काज नहीं कर सकल उपराग उठ लागल अछि। ई निकाय से काज नहीं कला पर की देखल जा रहल अछि त एक रिपोर्ट। गंदगी गंदगी के शहर बनल जनकपुर। गंदगी के कारण जनकपुर में मच्छर आतंक। स्थानीय निकाय निरीह। देश संघीयता में जा चुकल अछि। सब अधिकार केंद्र में रहल आ विकेंद्रीकरण करब आवश्यक रहल। जन आवाज अनुरूप नेपाल में विकेंद्रीकरण शासन लागू भ चुकल अछि। स्थानीय तह प्रदेश आ केंद्र क तीनू संस्था गठन भ चुकल अछि। तीनू के अपन अपन काज छै। स्थानीय तह के जो बात करी तब प्रदेशों से अधिक अधिकार देल गेल कहल जाय छै। मुदा स्थानीय निकाय काज से जनता ओहन आभास पावा नहीं सकल छै। उदाहरणक लेल जनकपुर के लेल जा सकैय। जनकपुर उप महानगर पालिका सेहो आन स्थानीय निकाय जका शक्तिशाली छै। मुदा अत्यक शक्तिशाली कि जनकपुर क्षेत्र से मच्छर के समेत न्यूनीकरण करा नहीं सक रहल छै। हाँ, गर्मी सही जनकपुरवासी मच्छर से प्रताड़ित है। कतेको लोग मलेरिया सहित रोग से पीड़ित बन रहल छै। मुदा जनकपुर उप महानगर पालिका हाथ पर हाथ धक बैस रहल स्थानीय वासी के आरोप छै। नगर पालिका जे है से खाली गाँव सब जे है से हौसतै छै कि जे मतलब जे गाँव नहियो है सेहो गाँव जे है से नगर पालिका जे है से लऽ लेला आ जे लेले है पुराना जनकपुर सब है तेकर सबके कोनो सुरक्षे न है। मच्छर से बुझाइ छै आदमी के जैसे न दिन रह दै छै न राति जैसे तबाह रहै छै। जैसे कचरा नाला गंदा सब बुझाइ छै फुहर से जे घिनायल है। कहियो जैसे अबै छै नगर पालिका साफ सुथरा करबाबै छै कतौ देखै छौ। 20 साल से जनप्रतिनिधि विहीन बनल छल स्थानीय निकाय। मुदा आब ओहन अवस्था नै छै। स्थानीय निकाय के काज करय से केओ रोकि सकबाक अवस्था सेहो नै छै। ओहो में मच्छर न्यूनीकरण करे में तो बिल्कुल नहीं। आब सुनल जाए शक्तिशाली कहल गेल स्थानीय निकाय जनकपुर उप महानगर पालिका के मेयर लाल किशोर साहा कथन। जना आके सुगर जी से सुगर के आ देखबी जे मतलब बाहर निकली छी त जहां गंदगी रहै छी सुगर के बास ओही ठम छी ओही ठम अटैक करै छी ओही ठम जाय छी आक्रमण करै छी। तहिना मच्छर के छी त ई सब जे छी से हमरा सब के एक बार पीपुल के भी मतलब ध्यान देवे के जरूरत छै जे हम सब केना एकरा जे छै अपन अपन गंदगी घर के एक जगह राखि के जखन सवारी साधन होइ छै तखन ऊपर हम सब दी है ने। हरेक घर अगर नियंत्रण करे लागे हरेक दुकानदार अगर नियंत्रण करे लागे तो ई नियंत्रण होबे लगते। लेकिन हम सब एकरा बावजूद एकरा जे छै हम सब बृहत रूप से रसर फॉगिंग केना करायल जाए तो फॉगिंग जे छै से एयर में होइ छै अहाँके। एकरा लेल जे छै से हम सब लास्ट टाइम में विराटनगर से मंगेने रहियै टेक्निशियन एहिठाम नहि छी जन स्वास्थ्य अहाँके सीधे जवाब दै छी। आ पता नहि मतलब अहाँके करोड़ों करोड़ के बजट एहिठाम अबै छै जन स्वास्थ्य के लेकिन हमसब बहुत प्रयास कयलियै एहिठाम तऽ सीधा ओकर जवाब अयलै जे फगिंग टेक्निशियन एहिठाम जे छै से प्राविधिक
आ नहीं छी जेना चलाबे वाला कहल जाइ छै त से एकटा हम विराट नगर से अहाँके मंगेने रही। ओ कहि रहल छथि कि मच्छर के न्यूनीकरण करय में दोसर निकाय सहयोग नहीं कर रहा आ स्रोत साधनक अभाव छै। मेयर साहब जनस्वास्थ्य कार्यालय सहयोग नहीं कर रहा आ स्रोत साधनक अभाव रहल बात केकरा कहि रहल छी। अगर स्रोत साधनक अभाव छै तो जनकपुर उपमहानगरपालिका के स्रोत साधन से भरिपूर्ण करय में बाधक के जनता तो बिल्कुल नहीं। जनता तो अहाँ के उपमहानगरपालिका के नेतृत्व करवाक लेल अत्यधिक मत से प्रमुख बनौने अछि। तो ई विलाप किया निर्हिता अतेक कि मेयर साहब जनकपुरवासी के उपदेश सेहो दऽ रहल छै घर आ अगल बगल सफा राखू। मच्छर तो सीजनल अखन आप जे शुरू भेलिए आ मच्छर कई किस्म के होइ छै एहिसँ पहिने अहाँके लगभग 4 महीना पहिने से डेंगू के संभावना जेना आयल रहै तऽ ओ एकटा अलग किस्म के होइ छै तकरा नियन्त्रण के लिए इमिडिएट हमसब जे छै कदम उठेने रही जनस्वास्थ्य के सङ्गे बैठक करके नियन्त्रण करबै हमसब सफल भेलिए। आओर ई सामान्य मच्छर जे होइ छै तकरो लेल जे छै से लगभग लम्बा जे छै से फॉगिंग कयल गेल रहै। अखन जे छै से मौसम परिवर्तन के साथे जे छै से बढ़ै छै एकर संख्या ई स्वाभाविक छै कहीं जाइ छी। अपना सबके खास कर की छी जे एक तरह तऽ नाला सब जे छै से गन्दा रहै छै ड्रेनेज सब जे छै से जगह जगह लोक अपना सबके प्रवृत्ति की छी जे नले मे सामान फेंक देलहुँ पॉलिथीन फेंक देलहुँ बोतल फेंक देलहुँ नाला जाम भेल पानी जाम भेल ओहिठाम जे छै से बेसी उत्पादन होइ छै। दोसर की छी अपना सबके ई 52 पोखरी अपना सबके कहब छी तऽ ई पोखरी से पोखरिये पोखरी से भरल जनकपुर छै ओहो पानि जमल छै बेसी पोखरिके अवस्था छै जे ओ गन्दा पानि छै तऽ ओकरा जे छै से आफा जब ट्रीटमेंट कयल जाइ छै तऽ ओ ट्रीटमेंट फेर पोखरिके भीतर हानि करऽ सकै छी जे पॉइजन भऽ जेतै ताहि कारण से ई सब भी दिक्कत होइ छै जनकपुर बेटा इहो समस्या छै। लेकिन हमसब जे छै से अखन नगर सभा से एकटा वृहत कार्य योजना एहिमे लायल जाय से निर्णय हमसब कयने छी ताकि मतलब जे छै से एकरा न्यूनीकरण मे निर्मूल तक केनाइ बड़ा कठिन काज छै। दुनिया में बहुत एहन जगह छै जहाँ अहाँके किनको गंदगी नहि छै लेकिन ओहोठाम केना मच्छर से बाँचल जाय ताहिके उपाय मे लागल रहै छी तऽ अपना सबके तऽ ई बड़का चैलेंज छै चूँकि सबसे बड़का चैलेंज जब अपना सबके सफाई के छै सार्वजनिक सफाई के नाला सफाई के सड़क सफाई के है ना चैलेंज जे छै किया तऽ लोक बुझै छै जे अपना घर के कूड़ा जे छै से हम बाहर फेंक देलियै अथवा दोसर के दरवाजा पर धऽ देलियै अथवा बीच सड़क पर धऽ देलियै तऽ बुझै छै जे हम अपन जिम्मेवारी पूरा कर लेलियै बड़का होशियारी हम करै लेकिन ओ नहि बुझै छथिन जे सब घर वाला लोग एहिना करै छै तऽ फेर हरेक घर के गंदगी जे छै से या तऽ थुपड़ि के नाला में जाइ छै या तऽ उड़ी के फिर ओकरा घर में प्रवेश करै छै। ठीक कहलियै मेयर साहब जनकपुर वासी सर सफाई में ध्यान नहीं देने छै जौ सर्वसाधारण गंदगी नाली में फेंके छै तो जनचेतना जगोनाई के संगी ओकरा सबके कार्रवाई करय वाला निकाय के एहन काज रोक उपमहानगरपालिका की कह रहल छै। ई प्रश्नक जवाब इहे जनता अहाँ सब मांग रहल छै तैं जनकपुर में एक दिन अपने से झाड़ू लगौला से किछु नहि भऽ सकबाक बात सबके बुझै छै। जनकपुरक सड़क पर झाड़ू लगेबाक लेल अपने के अतुका जनता मेयर नहीं बनौने छै बल्कि जनकपुरक सर सफाईक लेल जनशक्ति आ स्रोत साधनक पूर्ति आ ओकर व्यवस्थापन कोना कऽ रहल छी से अतुका जनता के चाँखक विषय छै। जनकपुर के सुंदर आ सफा शहर बनेबा मे अहाँ के व्यवहारिक नेतृत्व खोज रहल छै जनकपुरवासी। 20 बरस से जर्जर बनल जनकपुर के काया पलट करबा में अपने के योगदान खोज रहल छै जनकपुरवासी। आशा आ भरोसा के नजर से अहाँ दिस ताक रहल छै जनकपुरवासी। अपन टीवी के लेल अजय शाह शिवाली जनकपुर धाम।
आगामी चैत 9 गते शुक्र दिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होबय लागल अछि। निर्वाचन आयोग बुध दिन बैसल बैसार सँ आगामी चैत 9 गते शुक्र दिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करय के निर्णय कयलक अछि। संघीय संसद भवन परिसर में रहल राष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय सँ निर्वाचन सम्पन्न कराबय जकाँ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कार्यक्रम सेहो सार्वजनिक करायल गेल। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता नवराज ढकाल जानकारी देलनि, चैत 9 गते भोरक 10 बजे से लऽ कऽ अपराह्न 3 बजे धरि मतदान होयत। राष्ट्रसभा अध्यक्ष के निर्वाचन आगामी चैत 4 गते रवि दिन होबय लागल अछि। राष्ट्रसभा के ज्येष्ठ सदस्य तारादेवी भट्ट बुध दिन बैसल राष्ट्रीय सभाक बैसार में उपाध्यक्ष निर्वाचन के मिति घोषणा के लिए अछि। राष्ट्रसभा अंतरिम कार्यविधि 2074 के दफा 7 अनुसार राष्ट्रीय सभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के मिति तय कयल गेल अछि। एहि अवसर में ज्येष्ठ सदस्य भट्ट राष्ट्रसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के कार्यतालिका सार्वजनिक करय सेहो संघीय संसद सचिवालय के महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराय के निर्देशन देली। बुध दिन राष्ट्रसभा के अध्यक्षता में गणेश तिमिल सिन्हा निर्विरोध निर्वाचित भेल छलथि। ऐसे पहले है राष्ट्रसभा राष्ट्रपति में विद्यादेवी भंडारी और उपसभामुख में कृष्ण बहादुर महरा निर्वाचित भ चुकल छथि। राष्ट्रसभा के दोसर बैसार शुक्र दिन अपराह्न 3 बजे के लिए बजाओल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेलायत 23 गोटे रूसी कूटनीतिज्ञ के देश निकाला करके निर्णय कलक अछि। बेलायती प्रधानमंत्री थेरेसा मे ई निर्णय कर संगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के आपातकालीन बैसार बजौली। बेलायत रूस काठी रासायनिक हथियार पर लगायल गेल प्रतिबंध के उल्लंघन के ने आरोप लगौलक अछि। बेलायत एक हफ्ता भीतर निष्कासित रूसी कूटनीतिज्ञ से बेलायत छोड़ के निर्देशन दिलक अछि। रूस सब आरोप के खंडन कलक अछि। मार्च 4 में बेलायत में एक रूसी जासूस आ हुनकर बेटी के रूस विष देने के आरोप लागल छल। हुनका अवस्था गंभीर देखल गेल छल। ओ एक दोहरा जासूस भेल बताओल जायत अछि। रूस के जासूस सेहो ओ बेलायती के लेल काम नै केने बतौने छथि। बेलायती प्रधानमंत्री थेरेसा मे बेलायत के सब रूसी सरकारी संपत्ति जब्त करक चेतावनी दैत अखन रूस संग सब संबंध तोड़ल गेल बतौने छथि। यह वर्ष रूस में होबय वाला विश्व कप फुटबॉल में सेहो बेलायती शाही परिवार के सदस्य सहभागी नहीं होबय के चेतावनी में देने छथि। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में बेलायती अधिकारी जोनाथन एलेन रूस एहन रासायनिक हथियार प्रयोग करत के बतौने छथि जे युद्ध में सेहो प्रयोग कर के प्रतिबंध लगायल गेल अछि। अमेरिकी राजदूत निकी हेली सेहो बेलायत के समर्थन केने छथि। संयुक्त राष्ट्र संघ के लेल रूसी राजदूत वेस्ली नेवेनजिया बेलायत लगौने सब आरोप निराधार भेल के बताबैत प्रमाण पेश कर के चुनौती देने छथि। आब खेल समाचार। श्रीलंका में भ रहल T20 त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा में भारत बांग्लादेश के 17 रन से हराबैत फाइनल में प्रवेश कलक अछि। कोलंबो में भेल खेल में टॉस जीतकर पहिल फील्डिंग कर के निर्णय केने बांग्लादेश भारतीय बैट्समैन के रोक नहीं सकल। अखन धरि भारतीय ओपनर जोड़ी निक प्रदर्शन बुध दिन सेहो देखेलक। ओपनर द्वय शिखर धवन तथा रोहित शर्मा पहिल विकेट के लेल 70 रन के साझेदारी कलथि। 10th ओवर में शिखर धवन 17 बॉल में 35 रन बनाकर आउट भेलथि। लगातार खराब फॉर्म रहल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बुध दिन खेल में घुरलथि। ओ 61 बॉल में 99 रन बनाबैत भारतीय पारी के अंतिम बॉल में आउट भेलथि। ओ 5 चौका आ 5 छक्काक प्रहार कलथि। अहिना सुरेश रैना सेहो शानदार बैटिंग करैत 30 बॉल में 5 चौका आ 2 छक्का सहित 47 रन बनौलथि। निर्धारित 20 ओवर के खेल में भारत 2 विकेट गुमाबैत 176 रन के योगदान देलक। 177 रन के विजय लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग में उतरल बांग्लादेश। शुरुआती ओवर निक नहीं रहल बांग्लादेश 61 रन में अपन शुरुआती 4 विकेट गुमा चुकल छल। मसफिकुर रहीम बांग्लादेशी पारी के संहार के प्रयास कलाक बाद सफल नहीं भेलैत। ओ नॉट आउट रहित 55 बॉल में 8 चौका 1 छक्का सहित 72 रन बनौलथि। अहिना तमीम इकबाल 27 तथा सब्बीर रहमान 27 रन के योगदान देलनि। बांग्लादेश 20 ओवर में 6 विकेट गुमाबैत 159 रन मात्र बनाबय सकल। भारत के लेल वाशिंगटन सुंदर 3, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर तथा युजवेंद्र चाहल 1-1 विकेट लेलनि।
हार के पश्चात सेहो बांग्लादेश के फाइनल पहुँच के बाट खुलल है। आप खेल में बांग्लादेश श्रीलंका के हरा त उ फाइनल में पहुँच सकत। इससे पहले बांग्लादेश श्रीलंका के हरा चुकल है। अंत में मुख्य समाचार पुनः एक बेर। डॉक्टर बाबूराम भट्टराय के गलती से अध्यावित पार्टी में घूरल नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दहालक आग्रह। आई से 20 वर्ष नांगने सवारी यातायात चलाब में रोक, अटेरी करब तो जब्त कैल जात। प्रतिपक्ष के सम्मान करबाक प्रधानमंत्री ओली के बोली, देश विकास में सहयोगक अपेक्षा। नया सरकार लोकतंत्र खतरा में पारा लागल, कांग्रेस सभापति देउवाक गंभीर आरोप। आ बेलायत द्वारा 23 गोटे रूसी कूटनीतिज्ञ देश निकाला, सब उच्च स्तरीय संपर्क तोड़लक। अपन न्यूज अहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।